मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के मानपुर पट्टी में बीते दिनों धर्मेश पुत्र चंद्रपाल जंगल में बेहोशी की हालत में परिवार वालों को मिला था, जिसका इलाज कराने परिवार वाले मुरादाबाद अस्पताल ले गए थे, जहां इलाज के दौरान धर्मेश ने अपना दम तोड़ दिया था। उस समय भी परिवार के लोगों ने थाना मुंडा पांडे पर धर्मेश का शव रखकर हंगामा करते हुए धर्मेश की पत्नी संध्या पर आरोप लगाया था कि संध्या के नाजायज संबंध अनुज के साथ थे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। इसी वजह से संध्या ने ही धर्मेश की हत्या अपने भाई सोनू पुत्र सूरजपाल, दुर्गेश पुत्र मित्रपाल और अपने प्रेमी अनुज पुत्र शिशुपाल के साथ मिलकर शराब में कोई जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कराई है। उस समय तो थाना पुलिस ने परिवार के लोगों को भरोसा दिलाया था कि पूरे मामले की जांच कराकर मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की तो परिवार के लोगों ने थाना पुलिस से नाराजगी जाहिर करते हुए आज सीओ हाईवे को एक प्रार्थना पत्र देकर मुलजिमों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। सोनम, क्या मामला है, थाने में आए हो आप? अंकल, हमारे पापा की मृत्यु हो गई है और मेरे पापा को अनोज और गोनू बुलाकर लेकर आए थे घर से, और अभी तक थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम छोटे छोटे बहन भाई ऐसे ही भटक रहे हैं, पुलिस वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमें मेरे पापा को 10 दिन हो गया खत्म हुए, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है और वो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, कौन सा थाना लगता है तुम्हारा? मुंडा पांडे। क्या मुंडा पांडे पुलिस से आपकी बात हुई थी? जी। क्या बोला था पुलिस ने? पुलिस ने ये कहा था, कभी तो कह देते हम 10-15 दिन के बाद, अभी रिपोर्ट भी नहीं आई है, पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद करेंगे, तो अभी करना है, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिले, हमारे पापा छोटे छोटे बहन भाइयों को छोड़ कर आए हैं हमें। महेश कुमार, नाग निवासी हो? मानपुर पट्टी। अच्छा, क्या मामला हुआ था, थाने में आया मुंडा पांडे? मामला ये है सर कि 14 तारीख को हमारे भाई की मौत कर दी गई थी, कोई भी थाने में सुनवाई नहीं हुई है, वरना पीएम रिपोर्ट मिली अभी, और जो मुलजिम में ऐसे घूम रहे हैं खुले, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ से सुनवाई नहीं हुई है, आप कहाँ पर आप शिकायत करोगे इसकी? हम शिव साहब के यहाँ जाएंगे और भी यहीं कहीं जाएंगे, जहाँ भी हमें यहाँ ही सुनवाई होगी वहाँ पे जाएंगे। अच्छा, कौन? एक मनोज और मोनू, ये लोगों का हाथ है, माँ इनने ही मारे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो मुंजिम है ये पकड़े जाएं और जो भी हमारे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें न्याय मिले और उन्हें सजा मिले जिनने मारा है।